आमिर खान ने की पीपली लाइव की कास्टिंग, आहिट लव स्टोरीज की सक्सेसफुल ओपनिंग, आमिर खान नहीं कर रहे शाहरुख खान को फॉलो, शाहिद ने अटेंड किया विंबलडन का फाइनल, मुजम्मिल इब्राहिम ने स्पोर्ट की बिकिनी, ऐश्वर्या राय बच्चन की द रोबोट हुई पोस्टपोन, इरफान खान का टफेस्ट रोल, मुग्धा गोडसे से क्यों है खफा उनकी माँ, इमरान जान में करेंगे शादी, अभय क्यों नहीं हुए शर्टलेस, जीनत अमानी की एकता से रिक्वेस्ट, श्रीनगर में नहीं होगा लम्हा का प्रीमियर, रोहित जुगराज की अगली फिल्म, क्या इमरान बन सकते हैं बॉलीवुड के नेक्स्ट लव बॉय, समीरा रेड्डी हुई डी ग्लैम, शाहिद कपूर बने गर्ल, गुलशन ग्रोवर दिखे पुलिस के साथ, रेड अलर्ट की टीम आई एक साथ, तेरे बिन का प्रेस मीट, जॉन और बिप्स देंगे धोनी के ऑनों में पार्टी, रणदीप हुड्डा की गलत फहमी, बिग बी बनेंगे बिग बी। आमिर खान ने अपनी फिल्म पीपली लाइव के डायरेक्शन में भले ही अपनी एडवाइजेज ना दी हों, मगर फिल्म की कास्टिंग सिलेक्शन खुद आमिर ने की है। इस फिल्म में हमें रघुवीर यादव के अलावा और कोई नामी चेहरा नजर नहीं आ रहा। फिल्म की बाकी कास्ट नया थिएटर्स के ग्रेजुएट्स हैं। करण जौहर की फिल्म आई हेट लव स्टोरीज का पहला वीक काफी अच्छा रहा। सुनने में आ रहा है कि फिल्म ने अपने पहले वीक में पूरे 23 करोड़ बना लिए, जिससे करण काफी खुश हैं। आमिर खान ने एट लास्ट ट्विटर ज्वाइन कर लिया और बिग बी सलमान खान, इमरान खान, करण जौहर और बी टाउन के अपने कई फैंस को फॉलो कर रहे हैं। बस शाहरुख खान को छोड़कर, कहीं ऐसा तो नहीं कि आमिर खुद चाहते हो कि शाहरुख खान उन्हें फॉलो करें और वो उन्हें नहीं। शाहिद कपूर जो अपनी फिल्म मौसम की शूटिंग के लिए एडिनबर्ग गए हुए हैं और वहाँ एक दिन के ऑफ को उन्होंने विंबलडन फाइनल मैच के लाइव को देखकर गुजारा। वैसे शाहिद की फिल्म मौसम में उनकी कोस्टार सोनम कपूर एक टेनिस प्लेयर का ही कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। माचो एक्टर मुजम्मिल इब्राहिम जो जॉन इब्राहिम की तरह अपनी बॉडी फ्लॉन्ट कर सकते हैं, उन्होंने अपनी अगली फिल्म विल यू मैरी मी में बिकिनी स्पोर्ट की है और उनके हिसाब से ये इनका सबसे बड़ा स्टंट है। ऐश्वर्या राय की रावण तो बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं दिखा पाई। अब इनकी सारी उम्मीदें जुड़ी हैं संजय लीला भंसाली की गुजारिश और रजनीकांत की द रोबोट के साथ। वैसे द रोबोट की रिलीज डेट दोबारा पोस्टपोन की गई है क्योंकि एआर रहमान फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर अभी तक कंपोज नहीं कर पाए हैं। इरफान खान जो हमें कई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में दिखाई दिए हैं, वो अब हमें नजर आएंगे इंटरनेशनल स्टार गैब्रियल ब्रायन के साथ अमेरिकन सीरीज इन ट्रीटमेंट में। वैसे इरफान की माने तो ये रोल इनका सबसे टफेस्ट रोल है। मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं थोड़ी डिसलेक्सिक हूं। व्हाट, ये क्या कह रही है सोनम? मैं थोड़ी डिसलेक्सिक हूँ। सोनम कह रही है कि उन्हें डिसलेक्सिया की बीमारी है, वो ठीक से पढ़ नहीं पाती, लिख नहीं पाती और तो और उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। इतना इरिटेटिंग, अनोइंग और सेफ्ट वर्ड। मैं सिर्फ उनकी हेल्प करना चाहती हूँ। कम ऑन अर्जुन। अगर आप उनकी फिल्मों में फर्राटेदार डायलॉग डिलीवरी को देखकर सोनम से इम्प्रेस्ड हैं, तो हम आपको बता दें कि ये काम सोनम के लिए आसान नहीं, क्योंकि वो डिसलेक्सिक हैं। मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं थोड़ी डिसलेक्सिक हूँ। आजकल क्या हो गया कि रोमन में हमें हिंदी डायलॉग दिए जाते हैं पर मुझे समझ में नहीं आते, तो मुझे देवनागरी में लिख के देते हैं। वेयरएज दिल्ली 6 में भी मुझे देवनागरी में दिए गए थे स्क्रिप्ट, पर आई हेट और आयशा में इट वाज गिवन इन रोमन। आई डोंट अंडरस्टैंड। सोनम ने एक्सक्लूसिवली जिंग के कैमरा पर अपने बारे में खोला इतना बड़ा राज कि उन्हें अपने डायलॉग्स याद करने में होती है काफी प्रॉब्लम और उन्हें वही बीमारी है जो तारे जमीन पर में ईशान अवस्थी को थी। वेल, सोनम ने तो हमें ये भी बताया कि वो खुद रियल लाइफ में कैसी हैं, क्योंकि कभी सोनम बिग स्क्रीन पर बनी चाइल्डिश तो कभी ये बनी एक मैच्योर्ड वुमन। आई थिंक मैं आई एम अ वुमन, आई थिंक आई एम वेरी गर्ली इन अ लॉट ऑफ वेज, बट एज एनी फीमेल इन दिस वर्ल्ड मेरे में हर कोई चीज है। आई थिंक एवरीथिंग इज देयर, आई फील एंड आई थिंक दैट्स द फन ऑफ बीइंग एन एक्टर एज वेल। लेकिन जो लोग सोनम को अभी बच्चा ही समझते हैं, वो कर रहे हैं भूल, क्योंकि सोनम मल्टी टैलेंटेड हैं। इसीलिए एक्टिंग और ब्रांड एंडोर्समेंट्स के साथ साथ सोनम को फिल्म बिजनेस की काफी जानकारी है और तभी तो सोनम ने कुछ ऐसे अपनी फिल्म सावरिया की फिगर्स बनाकर उसे साबित कर दिया एक कामयाब फिल्म। अगर आप सावरिया के फिगर्स को देखो एज कम्पेयर टू द फिल्म्स दैट वाज रिलीज्ड विद इट, यस इट माइट हैव नॉट डन एज वेल, बट सावरिया डिड, इट माइट हैव, इट्स ब्रोकन इवन एंड मेबी मेड सम मोर मनी इन द इवेंचुअलिटी। आई डोंट नो अबाउट दिल्ली 6 बट आई डोंट नो अबाउट सावरिया। तो अगर बिजनेस की आई डोंट नो, तो मैंने 25 अभी 25 करोड़ की पिक्चर की है, बट दैट टाइम इट वाज 50-60 करोड़ और व्हाटएवर। एंड अ वेरी नाइस थिंग माय सिस्टर टोल्ड मी वंस, द फिल्म्स डोंट फेल, बजट्स फेल।
वी आर श्योर सोनम को इतनी नॉलेज अपने चाचा बोनी कपूर से ही मिली होगी, तो क्या इसके साथ बोनी सोनम को कोई टिप्स भी देते हैं? बोनी चाचू स्टिल थिंक्स आई एम अ चाइल्ड, तो उनके साथ ज्यादा मतलब ही इज स्टिल नॉट कंफर्टेबल विद द फैक्ट दैट आई बिकम एन एक्टर। चलिए बोनी जी ना सही, चाची श्रीदेवी ने तो इन्हें काफी ग्रूमिंग टिप्स दिए होंगे, है ना सोनम? श्री चाची से मैं इनिशियली विद मेकअप एंड एवरीथिंग शी हैज बीन अ ग्रेट हेल्प, शी हैज बीन अ रियली रियली ग्रेट हेल्प एंड विद एडवाइस एंड फूड, खाना कैसे खाना, ये करना वो करना, डब्बे लेकर जाओ, ये करो वो करो, तो उन्होंने हाँ बहुत एक्चुअली उन्होंने बहुत एडवाइस दी है मुझे। Well, हम पापा अनिल कपूर को कैसे भूल सकते हैं भला, ये तो स्क्रिप्ट चुनने से लेकर नरेशन तक सोनम के साथ रहते हैं। आई वुड बी फूलिश नॉट टू कंसल्ट हिम, पर इवेंचुअली डिसीजन इज माइन, क्योंकि पापा कहते हैं कि इवेंचुअली तुम्हें सुबह जाके काम करना है, मुझे मैं तो नहीं जाने वाला हूँ, तो इट्स वेदर यू लाइक इट और नॉट। समटाइम्स यू नो समबडी ऐसे तो पापा हियर द नरेशन एंड यू सी, एंड अगर टाइम हो तो वो सुन लेते हैं और कहते हैं कि हाँ अच्छा रोल है कि नहीं अच्छा रोल है, मत करो करो, तो इट डिपेंड्स, बट आई डू आस्क हिज एडवाइस, आई बी फूलिश नॉट टू, हैज बीन इन द इंडस्ट्री फॉर फार टू लॉन्ग। मगर जब भी सोनम को होती है कोई पर्सनल प्रॉब्लम तब वो अपने पापा से एडवाइस क्यों नहीं लेती, आइए जानते हैं। पापा गेट्स वेरी अपसेट इफ आई एम अपसेट, ही इज वेरी सेंसिटिव व्हेन आई एम कंसर्न्ड एंड व्हेन एनी ऑफ अस आर कंसर्न्ड, रिया और हर्ष, तो वी कांट टेल हिम आवर कंप्लीट प्रॉब्लम्स बिकॉज़ ही गेट्स वेरी अफेक्टेड एंड ही इज वेरी प्रोटेक्टिव, ही इज अ प्रॉपर पंजाबी फादर। सोनम की डेब्यू फिल्म सावरिया और दिल्ली 6 तो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी, तो क्या सोनम पर इस बात का प्रेशर नहीं कि अब सोनम को देनी चाहिए एक सक्सेसफुल फिल्म? अगर सक्सेस ना होता तो मुझे ये इतने प्रेस्टीजियस एंडोर्समेंट्स नहीं मिलते, और अगर आपको इतने बड़े बड़े एंडोर्समेंट्स मिल रहे हैं इट्स बिकॉज़ यू आर सेलिंग समथिंग एंड यू हैव द कैपेसिटी एंड द कैपेबिलिटीज ऑफ सेलिंग समथिंग। वैसे सोनम की रीसेंट रिलीज्ड फिल्म आई हेट लव स्टोरीज को लोग काफी पसंद कर रहे हैं, अब देखना यह है कि बॉक्स ऑफिस पर स्टाइलिश आयशा का जादू चल पाता है या नहीं। वेल टू कैच मोर कैंडिड चैट विद सोनम कपूर, कीप वॉचिंग ATC बॉलीवुड बिजनेस। मुग्धा गोडसे की अगली फिल्म हेल्प में उनका बिकिनी लुक मार्केट में रिलीज क्या हुआ, उनकी मॉम ने उनसे बात करना ही बंद कर दिया, सुनने में तो यही आ रहा है। वेल, मुग्धा इस बात से थोड़ी अपसेट जरूर हैं, मगर उन्हें इस बात का विश्वास है कि वो अपनी मम्मी को मना ही लेंगी। आमिर खान अपनी हर फिल्म दिसंबर में रिलीज करते हैं, उसी तरह उनके भांजे इमरान खान हर शुभ काम जनवरी में करते हैं। जनवरी 2010 में इन्होंने अवंतिका से सगाई की थी और अब सुनने में आ रहा है कि जैन 2011 में ये अवंतिका से शादी करेंगे। जोया अख्तर की फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के एक सीन के लिए ऋतिक रोशन, फरहान अख्तर और अभय देओल को शर्टलेस होना था। ऋतिक और फरहान तो इस सीन को करने के लिए फट से तैयार हो गए, बस एक अभय ही थे जिन्होंने ये सीन वेस्ट पहन कर दिया। After all, he doesn't have six pack abs like them. एकता कपूर की फिल्म Once Upon a Time in Mumbai में अजय देवगन जो हाजी मस्तान का रोल प्ले कर रहे हैं, वो इस फिल्म में 70s सेक्सी सायरन जीना तमान पर एक कमेंट पास करते हैं। And it is said that हाजी मस्तान always had a soft corner for जीना तमान। जैसे ही जीना जी को इस बात के बारे में पता चला, उन्होंने इस सीन को डिलीट करने के लिए कहा और एकता कपूर जीना तमान की इस रिक्वेस्ट को मना नहीं कर पाई। राहुल ढोलकिया अपनी फिल्म लम्हा का प्रीमियर श्रीनगर में करने वाले थे, मगर जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने इनके इस प्लान को कैंसिल कर दिया क्योंकि वो इसकी स्क्रीनिंग को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। डायरेक्टर रोहित जुगराज अब अपनी फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे हैं जो मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन की लाइफ पर बेस्ड होगी। बोनी कपूर की फिल्म मिलेंगे मिलेंगे का प्रमोशन ना ही करीना कपूर कर सकती हैं और ना ही शाहिद कपूर, क्योंकि ये दोनों अपने अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं। इसीलिए अब बोनी कपूर की इस फिल्म का प्रमोशन करेंगे म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया। हेट लव स्टोरीज को मिल रहे ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स से तो यही प्रूव होता है कि इमरान बन सकते हैं बॉलीवुड के नेक्स्ट लव बॉय। आफ्टर ऑल जाने तू या जाने ना के बाद इनकी ये दूसरी रोमांटिक फिल्म है जिसे ऑडियंस पसंद कर रही है। रेड अलर्ट में हमें समीरा रेड्डी भाग्यश्री नजर आएंगी डी ग्लैम लुक में और साथ ही करेंगी कई स्टंट्स। फिल्म 9 जुलाई को रिलीज हो रही है। इंटरनेशनली तो इस फिल्म ने काफी तारीफें बटोरी, अब देखना ये है कि नेशनल लेवल पर कितनी सक्सेसफुल होगी। शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार और गोविंदा के बाद अब शाहिद कपूर बने हैं लड़की अपनी अगली फिल्म मिलेंगे मिलेंगे में, और सतीश कौशिक की माने तो शाहिद काफी क्यूट दिख रहे हैं अपने इस गर्ली अवतार में। बॉलीवुड के बैड बॉय गुलशन ग्रोवर को कई बार हमने फिल्म में पुलिस की गाड़ी में बैठे देखा है, मगर इस सोमवार गुलशन ग्रोवर को सच में पुलिस की गाड़ी में आना
पड़ा। एक्चुअली बंद के कारण एयरपोर्ट से आ रहे गुलशन की कार पर कुछ लोगों ने पथराव किया, जिस वजह से उन्हें पुलिस ने घर तक एस्कॉर्ट किया। हॉट एंड ग्लैमरस एक्ट्रेस समीरा रेड्डी अब हमें बिल्कुल नॉन ग्लैमरस अंदाज में नजर आएंगी अपनी आने वाली फिल्म रेड अलर्ट में। और रिसेंटली इस फिल्म का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसे समीरा के साथ अटेंड किया फिल्म के बाकी एक्टर्स यानी सुनील शेट्टी, गुलशन ग्रोवर और डायरेक्टर अनंत महादेवन ने। पाकिस्तानी सिंगर अली जफर अपनी अपकमिंग फिल्म तेरे बिन लादेन से बॉलीवुड में एज एन एक्टर अपनी किस्मत आजमाएंगे। और अपनी इस डेब्यू फिल्म को प्रमोट करने अली जफर रिसेंटली आए मुंबई के सिनेमैक्स मल्टीप्लेक्स में। जॉन अब्राहम और बिपाशा बासु इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन धोनी के ऑनर में एक पार्टी देंगे, मगर इस पार्टी की डेट नहीं बताएंगे, एज दे वांट टू कीप दिस अ प्राइवेट पार्टी। रणदीप हुड्डा जो अपनी अगली फिल्म में बॉक्सर बने हैं, उन्होंने अपने को स्टार एजाज खान को ये बोलकर फिल्म से निकलवा दिया कि उनके सिक्स पैक एब्स नहीं है। और रणदीप की माने तो बॉक्सर्स को सिक्स पैक एब्स नहीं होते। लगता है रणदीप ने हॉलीवुड फिल्म रॉकी नहीं देखी, वरना अपनी ये सोच बदल देते। मिस्टर भट्ट ऑन छुट्टी में हमें बिग बी खुद बिग बी बने नजर आएंगे। यस, बिग बी विल बी प्लेइंग हिमसेल्फ इन द मूवी, जिसमें लीड रोल अनुपम खेर निभा रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स लेटर इन द डे।